हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभंकर आर्ट्स पे। आज का वीडियो रियलिस्टिक ओल्ड मैन के स्केच को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह यहाँ मैकेनिकल पेंसिल और आर्ट लाइन का 2B और HB देख कर मैं फर्स्ट लेयर स्टार्ट किया हूँ। यहाँ मैंने सेकेंड लेयर ड्रॉ करने के लिए 4B का आर्ट लाइन पेंसिल और स्टेडलर का 6B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। अगर आप बाय मिस्टिकली ज़्यादा लेयर ड्रॉ कर चुके होंगे तो आप नीडेड इरेजर यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं सेम प्रोसेस यूज करके टोटल स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाईलाइट्स आप बेसिकली टॉम्बो इरेजर के अगर आप दे ही नहीं सकते। बेसिकली टॉम्बो इरेजर ऐसे एक चीज़ है जो छोटे से छोटे हाईलाइट्स आप वो आसानी से दे देगा, जो आप नॉर्मल इरेजर से नहीं आएंगे। स्टेडलर और 4B पेंसिल यूज करके मैं स्किन टेक्सचर का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसे आप यहाँ लाइनिंग देख रहे हैं। अब फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर जो प्रोसेस मैंने अभी बताया हूँ, जो आइस के ड्रॉ करने के समय आप वैसे ही प्रोसेस आप स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप 6B पेंसिल यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही डार्क के पास जो बगल में जो है 2B और HB पेंसिल से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो ज़्यादा ही लाइट से उसके कंपैरिजन में। ब्लेंडिंग स्टंप और फ्लैट ब्रशेस यूज के आप किसी भी सेट को स्मूथ बनाने के लिए आप ब्लेंडिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया हूँ। इस तरह ड्राइंग करने के लिए आप हमेशा पेंसिल को लॉन्ग पॉइंटेड रखना चाहिए, और ड्राइंग के दौरान जो सेट कर रहे होंगे तो सेट हमेशा स्लोली करना चाहिए। आप किसी भी पेंसिल पे स्मूथ शेडिंग पा सकते हैं, पर टाइमिंग का लिमिटेशन कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम। जैसे टॉम्बो और स्टेडलर के पेंसिल पे आपका टाइमिंग बहुत ही कम समय में अच्छी स्मूथ शेडिंग पा सकते हैं, पर आर्ट लाइन जैसे पेंसिल पे उसके ऊपर स्मूथ शेडिंग पाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत लेयर लगता है, बहुत स्लोली स्लोली करना पड़ता है, जिससे आप अच्छी अच्छी स्मूथ शेडिंग पा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो नॉर्मल स्किन टेक्सचर पाने के लिए 2 से लेकर 6B तक आप यूज कर सकते हैं, वह उससे ज़्यादा आपके डिपेंड करता है हमें। पर यहाँ पर आईब्रो ज़्यादा ही डार्क होता है, इसीलिए आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए मैंने 8B का पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आप देखे होंगे कुछ कुछ ड्राइंग पे मैंने चारकोल का भी यूज किया है। यहाँ पर जो जो पोर्शन ज्यादा ही डीप एस्टिमेटेड थे वहाँ मैंने चारकोल का यूज किया। किसी भी नीडिल या फिर आप कंपास के नीडिल यूज करके आप इंडेंटेड टेक्निक का प्रोसेस आप कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाइट मोस्टेचेस अच्छी तरह से आपको दिखाई दे। दांतों को हाईलाइट करने के लिए आप टॉम्बो का इरेजर या फिर नीडेड इरेजर आप यूज कर सकते हैं। You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a
होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।